संसद के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। गृह मंत्रालय में एक युवक फर्जी दस्तावेज के सहारे घुस गया। दिल्ली पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसे संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने की पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र पर नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय के ऑफिस में घुसने की कोशिश करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है और आरोपी का नाम आदित्य प्रताप सिंह बताया जा रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आदित्य किस मकसद से फर्जी आईडी पर घुसा इसकी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन फिलहाल इसका कोई टेरर एंगल नहीं पता चला है। जानकारी के मुताबिक ये किसी से जालसाजी करने के इरादे से अंदर घुसा था। आरोपी से स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियां भी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा में बीते साल 13 दिसंबर को दो युवक दर्शक दीर्घा से डेस्क पर कूदे और कलर स्मॉग निकालने लगे। इस दौरान पूरे हॉल में धुआं हो गया था। वहीं उनके साथी भी संसद के बाहर इसी तरह का प्रदर्शन करने लगे। आरोपियों ने जांचकर्ताओं को बताया था कि उनका मकसद मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना था। इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि संसद के बाद अब गृह मंत्रालय की सुरक्षा में भी सेंध लगाने की कोशिश हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने की पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र पर नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय के ऑफिस में घुसने की कोशिश करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है और ऐसा कहा जा रहा है कि आरोपी का नाम आदित्य प्रताप सिंह है। आपको बता दें कि फिलहाल इसका कोई टेरर एंगल पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी आरोपी आदित्य प्रताप सिंह से बाकी एजेंसियां भी पूछताछ कर रही है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी 13 दिसंबर को दो युवकों ने संसद में सेंधमारी की थी। ये युवक बीजेपी सांसद के पास से संसद की दर्शक दीर्घा में पहुंच गए थे। जब संसद की कार्यवाही चल रही थी तब ये युवक संसद में कूद गए। इसके बाद इन युवकों ने अपने जूते से पीले रंग का गैस स्प्रे निकाला। हालांकि संसद में मौजूद सांसदों ने इन्हें पकड़ लिया था और सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया था। जब इन दोनों युवकों ने सदन में सेंधमारी की थी तभी एक युवक और एक युवती ने संसद के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पुलिस ने संसद में घुसपैठ के सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में मनोरंजन डी, सागर शर्मा, नीलम झा, अमोल शिंदे, ललित झा और महेश कुमावत को गिरफ्तार किया था। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।